ओपन डिबेट लई सरकार जिहड़ी है पंजाब सरकार वो तैयार है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे विच होवेगी ओपन डिबेट। सो खुली चर्चा दे लई जो मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों सद्दा दित्ता गया सी जां जिस नूं चैलेंज भी किया जा रहा है जां सद्दा किया जा रहा है मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों उस नूं लैके हुण इह अपडेट सामने आई है कि ओपन डिबेट दे लई सरकार तैयार है। तो PAU दे विच इह ओपन डिबेट जिहड़ी है ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮਤ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਹਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? PAU ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ। देखो बलदीप, जिस तरह नाल सरकार वालों लगातार ओपन डिबेट का जो चैलेंज है विरोधी धिर दिता जा रहा है, तो उस मद्देनजर रखते हुए पहला टैगोर थिएटर है जो सरकार वालों बुक करवाया गया, जिस तो बाद टैगोर थिएटर के मालकों वालों जो इस चीज़ को इनकार कर दिया कि वह किसी भी पोलीटिकली यह जे का हिस्सा नहीं बनने जिस जी डिबेट है वह होगी। तो इस मद्देनजर रखते हुए हुण सरकार को तीन विकल्प सन जिन्हां दे विच ठीक है समत, मैं माफ करना तुहानू रोकना चाहूँगा। साडे नाल श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू महेश चंद्र सिंह गरेवाल जुड़ चुके ने फोन लाइन के उपर। गरेवाल साहब, बहुत स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल से। देखो मैं कल पहला स्पष्ट कहना चाहना है कि पहली तो गल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल पर्पसेस प्लेटफॉर्म यूज करना बिल्कुल ही अनएथिकल है, क्योंकि जे सरकार हो या कुछ हो हर तरह का पोलीटिकल इनवायरमेंट होंगे हैगा, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिए बिल्कुल गलत है। दूसरी गल, कांग्रेस ने भी किया, असी भी किया कि जिहड़ा पंजाब का डिबेट इन्होंने कहना तो इतने अपना टोटल मीडिया से भी कंट्रोल करे, टोटल अपने जो भी बुरशागर्दी वगैरह करके वन साइडेड प्ले करना चाहते हैं। जे वाकई ही भगवंत मान बहुत सिंसीयरली इंट्रस्टिड ने कि पंजाब दियां कमजोरियां हो विरोधियां तो सुन सकन, देखो डिबेट का होंगे ओपोजिशन वालों जिन्ना गल्ला दसनगे सरकार दियां कमजोरियां, इन्होंने जिहड़ा प्लैन करना हैगा ये करन चंडीगढ़ में। जिहड़े बाजवा साहब ने भी कहा सीगा कांग्रेस वालिया ने कि चंडीगढ़ में होवे ते इंडिपेंडेंट मोनीटरिंग दे हेठ होवे, ठीक है ये अपने ये तो बिल्कुल ना जी। हुण तुसीं देखो इन्होंने पहला तो ड्रामा कर रहा है वन साइडेड शो करके 93 versus 18 विधानसभा उत्थे करनगे, तो ये सारिया जड़िया ने चीप टैक्टिक्स है जोड़े पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं होंगे, लोग इन्हों देख रहे हैं कि कर की रहे हैं जी, जी। सवाल तो सरदार सुखबीर सिंह ने इन्हों उस दिन कर ही दिते हैं, उन्होंने जवाब दे देना जी। हाँ अच्छा गरेवाल साहब ये जिहड़ा हुण जिवें जिक्र किया जा रहा है, जिवें जाखड़ साहब ने कहा कि अबोहर आ जाओ, अबोहर आके गल करते हैं, जिथों मुख तौर पर उन्हों का मंतव यही कहण का कि पानी जिहड़ा SYL का जेकर जाना है तो उसका जो खामियाजा भुगतना पैना है तो उस इलाके भुगतना पैना है, तब कि अबोहर आके जी डिबेट कर ली जाए या चर्चा कर ली जाए। जाखड़ साहब का इनविटेशन होगा, श्रोमणी अकाली दल आप जी कॉल तो पता लगे कि इन्हें वेन्यू लुधियाने करने की सोची है, पार्टी लैवल से की डिसीजन लेंदे हो नहीं, पर मैं एज ए रिप्रजेंटेटिव पार्टी ये कह सकता है कि यह बिल्कुल गलत चॉइस ऑफ प्लेस है, इन असी एग्री कर दें। ठीक है तो गरेवाल साहब, जिस तरीके दे नाल जो आप लोकतंत्र की गल करते हैं तो लोकतंत्र दे विच कोई लोग ने जिहड़ा वो किसी सरकार नूं चुणदे ने, पार्टी नूं चुणदे ने, 5 साल दिंदे ने पूरे काम करन दे लई, तां उहदे विच जो लोगों का मैंडेट सामने आता तो सब तो वड्डा रिजल्ट या नतीजा वह हुंदा है कि आम आदमी पार्टी जिहड़ा है या सरकार मौजूदा सरकार है वो इस डिबेट के जरिए वाकई एक संजीदा डिबेट तुहानूं लगदा करना चाहुंदी है, तो या फिर क्योंकि जिवें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मैनू फैक्ट्स लियाउण दी लोड़ नहीं, मैनू मूंह जबानी सारा कुछ याद है, जदों के कहना यह चाहिए सी कि फैक्ट्स दे तत्थ दे नाल असीं जिहड़ा सामने आवांगे। उन्होंने कढ़णियां गाला होर कुछ नहीं कि तुसीं आ नहीं कीता, असीं तां जे नहीं कीता तां ही बाहर बैठे हैं ना, असीं तां हुण पुछदे हां कि तुसीं पौने 2 साल च की कीता। गल तां इह है कि करप्शन खत्म करन नूं कहिंदे सी, कित्थे करप्शन खत्म होई है, एक भी करप्शन केस पौने 2 साल विच डिसाइड नहीं होया ते कोई किसे नूं कन्विक्शन नहीं होई। नशे का तुम अज पढ़ी लिया सारे अखबारों से, सब तो वड्डी खेप कोकेन की जड़ी फड़ी गई है जी, जिहड़ा चिंता का विषय हैगा बारे इन्हों का कोई जवाब नहीं गा, जिन्हों कहते 4 हफ्ते अच खत्म कर देंगे,
फिर उस बाद कहते तेरा हॉस तेरा मेडिकल कॉलेज पंजाब से उठावे पौने दो साल का गेट भी नहीं बने है जड़ा गरीबा दिया बच्चों शगन देना सी शगन नहीं दिता पेंशन बंद पई है मुलाजम पक्के नहीं किते देखो डिबेट तो जेडे करने पंजाब दे इशू से अज पंजाब नू सब तो वड्डी इशू है इकोनॉमिक इशू कलैप्स होने के कंडे से बैठा है पंजाब नू अज तो सब तो वड्डी इशू है अनइंप्लॉयमेंट की पंजाब लई अज सब तो वड्डा चिंता का विषय परसों अखबारों में कितनी वड्डी न्यूज़ थी 55% सीटा पंजाब दे टेक्निकल कॉलेजेस विच खाली पईआं ने कलैप्स होते पई है तुहाडी टेक्निकल एजुकेशन उन्हां बारे तो भगवंत मान जी का कोई टाइम ही नहीं लगता पे सरदार प्रकाश सिंह बादल अकाली दल सरकार वे जा संगत दर्शन होते सी ओपन डिबेट सी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी हुंदा सी लोकां दी गल सुणदे सी इह तां घुर्रे च बड़े बैठे ने ट्वीट करके गल मुका देंदे ने। चलो गरेवाल साहब साढ़े नाल तुसी बने रहो साढ़े नाल वरिंदर गोयल भी जुड़ गए ने आम आदमी पार्टी तो गोयल साहब महेशिंदर गरेवाल साहब साढ़े नाल अकाली दल तो सीनियर आगू बने हुए ने सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जेकर वेन्यू के उपर गल हो रही है क्योंकि हुण चर्चावां चल रही ने कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ओपन डिबेट की गल हो रही है तो गरेवाल साहब का कहना यह है कि अकाली दल का जो समझना है कि चंडीगढ़ के डिबेट जी होनी चाहिए है बल्कि ना कि जो लुधियाने क्योंकि चंडीगढ़ के उत्थे मीडिया जोड़ा वो एक आज़ाद मीडिया के तरीके उत्थे पहुँचे तो बाकी चीज़ा भी उस तरीके हो सर सत श्रीकाल पहला सारिआं नूं गरेवाल साहब साडे बहुत सीनियर आगू रहे ने जी जी ते मैं बेनती करनी चाहुंदा देखो जे इत्थे ऑडिटोरियम की गल कीती सी उहदे इतराज उठाते थे सुनील जाखड़ जी ने जी कहिंदे ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम एक ना होना अलग गल है ऑडिटोरियम च की गल्लां उत्थे खेडां ही होया करदीआं ने जां नाटक ही होया करदे आ तां उत्थे कुछ भी उत्थे डिबेट हो सकदी है उत्थे मीटिंग हो सकदी है उत्थे इकट्ठ हो सकदे ने हुण उत्थे दा बदल के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करता हुण इहदे इतराज देखो हुण असीं कुछ नहीं इहदे बारे कह सकदे सिर्फ इही गल कहांगे भी देखो सरकार हर तरीके नाल तैयार जी नहीं उन्हां दा एक सर सवाल है उन्हां दा मतलब खदशा यह है कि हो सकदा उत्थे बायसनेस होवे उत्थे निरपक्षता दे नाल जिहड़ी डिबेट ना हो सके लुधियाना दे विच इह गल कह रहे ने महेशिंदर गरेवाल जी देखो ये तो कोई मतलब नहीं है देखो डिबेट उत्थे पहला बथेरिया डिबेटा हो जाने गरेवाल साहब तो बहुत मंत्री रहे ने बहुत सियाने बहुत बड़े लीडर ने यह कदे होया करदा भी इत्थे निरपक्ष ना होवे ये की गल हुई ये तो कोई मतलब नहीं है इस गल का इस तरह नहीं निरपक्ष होगी बैठ के लोग देखणगे सारा लाइव होएगा। अच्छा अच्छा गोयल साहब जाखड़ साहब के कहने तो बाद की वेन्यू चेंज किया गया नहीं मैं ये नहीं कहता पर तराजबाजी की गल करता मैं कोई मतलब देखो कुछ कहता है कोई कुछ कहता है तो कोई मतलब नहीं सीधी स्पष्ट गल है भी आओ पता लगेगा भी कौन गलत है कौन सही है नहीं पर गोयल साहब शंका दूर करना तो बनता है ना जे हुण अकाली दल या कांग्रेस या प्रताप सिंह बाजवा शंका जाहिर कर रहे ने कि जिहड़ा है वह जे चंडीगढ़ दे विच हो जाए तो वह निरपक्षता दे नाल हो जाएगी तो शंका तो हुण सरकार जे दूर करे तो ही गलबात बनेगी ना हुण देखो की शंका दूर करांगे दसो मैंने हुण तुहानूं मैं पहला बेनती की जाखड़ साहब कहिंदे इत्थे नहीं ठीक आंदा हुण कोई उत्थे नहीं ठीक आंदा फिर कित्थे जदों सारे सहमति कर लो उत्थे रख लैंदे ने नाले इह तां निर्मूल ने गल्लां इन्हां गल्लां दा कोई मतलब नहीं है असी गल सीधी उत्ते करनी है लोगों की गल है लोगों के बल एक मैं वैसे बेनती भी करता सारे मैं तो हमेशा कहना भी एस वाई एल नहर का जोड़ा मुद्दा है ये पंजाब की जिंद जान है इस मुद्दे से सारी धिर राजनीति छड़ के पानी एक बूंद देन है नहीं पानी पहले 800-700 फुट के बोर लगन लग गए सारे कट्ठे होके इस गल का एकजुट होके चलीए कि साडे कोले कोई पानी की बूंद नहीं तो सारे कहंदे ने ना नहीं गल तो यह तो सर ये गल तो कई होर सियासी धिर भी कहंदियां ने पर चैलेंज का जिहड़ी गल की गई है वह तो आम आदमी पार्टी के वल्लों की गई है ना मुख्यमंत्री साहब के वल्लों एस वाई एल के मसले के उपर जां मुख्यमंत्री साहब यह गल कहते कि ठीक है सारी पार्टियां कट्ठिया होवो आप इस मसले को कट्ठे होकर जरा नजिठते हैं पर उन्होंने तो चैलेंज किया चैलेंज उन्होंने चैलेंज शब्द कह लो उन्होंने बेनती कह लो उन्होंने कुछ भी कह लो भी जदों रोज तराजबाजी होंगी है
ਇਹ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਬਈ ਆਓ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ। चलो इन्होंने पार्टी ने कई दफा इग्नोर भी किया, हक बनता टिकट का नहीं मिले, लास्ट बारी भी मेरे को गल की सी। मैं तो एक गल कहना कि गोयल साहब हर पंजाबी की यह सहजी है कि एस वाई एल का पानी ना जाए, पर जी ये चलिया है चर्चा चली है सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के लॉयर के ये कहने तो बाद सरकार नहर बना चाहती है जी, जी। ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, लेकिन जेड़े लोगों ने क्योंकि हुण एस वाई एल डेढ़ साल पहला तो मुद्दा होया नहीं, मैं तो उही गल दस रहा ना तुहानू, जिन्हां ने एस वाई एल बनाती जिन्हां ने पानी देता किन्ना पानी अज पंजाब दा जिहड़ा ऑलरेडी राजस्थान हरियाणे जा रहा, उन्होंने पुछो किहदी बदौलत गया, आम आदमी पार्टी सरकार की सी ना। सो इन्हां दी ड्रामेबाजी तो पंजाब दे लोग बचण, असीं यही बेनती करांगे। और सुखबीर सिंह बादल जी ने आउणा तां नहीं गा, पर फिर असी तुहाडे नाल ही रिक्वेस्ट करते हैं 1 नवंबर नूं आ जाओ, पंजाब दे मुद्दियां दे प्रति कोई गंभीरता संजीदगी हैगी आ ते आ जाओ, माणयोग मुख्यमंत्री वेट करनगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, तुहाडा कोई सवाल होवे ते कर सकदे। डेफिनेटली डेफिनेटली पंजाब सरकार पूरा इंतजाम कर रही है, क्योंकि ये मुद्दे पंजाब दे बहुत सार्थक इशूज़ ने, इना दी पूरी इतिहास इना च किन्ने किन्ने की फेवर लिया, पंजाब ने की कॉन्सिक्वेंस झले, किन्ना ने कुर्बानिया दियां गल्लां कीतियां ते केड़े कुर्बान होए, सारियां गल्लां होणगियां। डेफिनेटली 1 नवंबर नूं असीं हाँ PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो इतिहासिक अदारा ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਗਏ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾ ਭੱਜਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਇੰਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ 1978 ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਫੋਨ 'ਚ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਲੈਟਰ ਨੰਬਰ 7/7/8 ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੈਸੇ ਮੰਗ, ਦੋ ਲੈਟਰ ਹੈ, 4 ਜੁਲਾਈ 1978 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ 7/8.1W(I.78/78)/23617 4 ਜੁਲਾਈ 1978 ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਲੈਟਰ ਨੰਬਰ 20 ਫਰਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 113/5/SYL ਅਤੇ ਨੰਬਰ 121/5/SYL ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਦੋਨੋਂ ਡੇਟਾਂ 78 ਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਥੱਲੜੇ ਅਮਲਾ ਤਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
पंजाब दीयां सड़कां ते आके ड्रामेबाजी कर रहे तां असीं इन्हां नूं कहिंदे सब ड्रामेबाज है इन्हां ने हित वेचे ते अपने हित साधे आ। 4 जुलाई नूं पैसा क्लेम कीता चैक और 20 फरवरी 1978 नूं बतौर मुख्यमंत्री बादल साहब ने लैंड एक्विजिशन एक्ट सैक्शन 4 दे राही लैटर नंबर मैं तुहानूं दस्सदा जमीन एक्वायर करन दे निर्देश जारी कर। जी मान साहब की सरकार की देखो फुल तैयारी है और निगम जिहड़ियां इलैक्शन है कारपोरेशन इलैक्शन पेंडिंग है और जिहड़ा इहदा प्रोसैस है वो शुरू हो गया बहुत जल्दी इहदे वेरवे जिहड़े आ वह भी आ जाणगे मीडिया च भी लेकिन सरकार ने तैयारी शुरू करती है इलैक्शन कमीशन नूं लिखता है क्योंकि बहुत ऑलरेडी ये इलैक्शन डिले हो रहे हैं 5 कारपोरेशन दे तो नवंबर के महीने च ये हो जा रहा है। देखो एक एक करके लियावांगे ना चीजा लियावांगे अज नहीं ना सारे अजे है अज कि तरीक है अज होगी 12 एक तरीक नूं वावा देना है तुसी भी थोड़ा चलो असी लैके आवांगे रजिस्ट्री कुर्सी नामे कहने उन्हूं असी रजिस्ट्री नहीं कहिंदे। देखो सानू लगता है कि मान साहब की सरकार ने पिछले 1.5 साल चाहे वह बिजली की गल है चाहे जमीना छुड़ाउण की गल है चाहे विदाउट फेवरिज्म ट्रांसपेरेंसी ना नौकरियां देने की गल है 37,000 तो वध सरकारी नौकरियां तमाम वो मुद्दे जिहड़े पंजाब दे लोक हितैषी फैसले होए आ किसानी नूं लैके जवानी नूं लैके इन्हां मुद्दियां ते असी पंजाब दे लोगों को जावांगे और पूरी उम्मीद रखते हैं मैंडेट आम आदमी पार्टी नूं मान साहब की सरकार नूं वड्डा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी शुक्रिया। सो आम आदमी पार्टी दे वल्लों मलविंदर कंग दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे विच ये डिबेट होगी चर्चा होगी इस गल का जिक्र इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच कीता गया है। नाल दी नाल ये कहा गया है कि हुण तमाम पार्टियां जिहड़ियां ने वो 1 नवंबर वाले दिन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे विच इस ओपन डिबेट नूं लैके पहुँचण जरूर ता कि चर्चा जिहड़ी है पंजाब दे मसलियां दे उपर हो सके। नाल दी नाल 1978 के नोटिफिकेशनस की भी गलबात जी है मलविंदर कंग उन्होंने की है कि 1978 SYL की जमीन की एक्विजिशन लैके जानी कि जमीन एक्वायर करन लैके उन्होंने बकायदा तौर जे नोटिफिकेशन के डायरी नंबर ने वो भी उन्होंने पढ़ के जड़े ने वो सुनाए ने कि इस डेट न नोटिफिकेशन जोड़ा है वो जारी हुए ने। सो ये फिलहाल जो कन्फर्मेशन ऑफ द बुकिंग ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑडिटोरीयम PAU कैंपस ऑन 1/11/2023 ये जिहड़ा लैटर है नोटिफिकेशन जिहड़ा जारी कर दिता गया। दिस इज़ द रेफरेंस टू द टेलीफोन कन्वर्सेशन विद द वाइस चांसलर डॉक्टर SS गौसल द बुकिंग ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑडिटोरीयम फॉर 1/11/2023 इज हेयर बाय कन्फर्म दिस इज़ फॉर यूर काइंड इनफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज़। सो ऑडिटोरीयम जिहड़ा बुक हो गया और नाल दी नाल जिहड़ा वो उस दा जो लैटर है कन्फर्मेशन है कन्फर्मेशन लैटर है जिहड़ा वो कढ़ दिता गया। सो क्लीयर है कि हुण वेन्यू जिहड़ा बुक हो चुका है 1 नवंबर 2023 जिस दिन पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी दे विच ये बहस जिहड़ी है वो होएगी उस दे लई वेन्यू जिहड़ा वह बुक कर लिया गया। इस चीज़ में लैके मलविंदर कंग जिहड़ा वो जोर दे रहे थे कि ठीक है हुण वेन्यू बुक हो चुका है तो पर हुण कोई पार्टी है या कोई धिर है जिहड़ा सियासी धिर है जिहड़ी वो इस बहस तो इस चर्चा तो जिहड़ा वो किनारा ना करे पासा ना वटे।